There's nothing quite like an adventure in the mountains being surrounded by nature's giants. This is my third day in Manali, and today in this short video I'll quickly take you to stunning places. A few are recently opened and new to many people. Atal Tunnel is one such place. Beside Atal Tunnel aur bhi kuch khoobsurat places hai jo explore karenge. Hello friends, this is Riya and you are welcome back to my channel Wheels on the Feet. Mountains are full of surprises and so far it surprised me several times. So stay tuned with me and enjoy epic views along the way. Now it's 10:45 in the morning and I'm sitting in Manali bus stop. अभी बहुत बारिश हो रही है so, थोड़े देर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से. सो द फर्स्ट पॉइंट इज नेहरू कुंड. बारिश की वजह से अभी हम लोग उतरे नहीं. यहाँ का पानी बहुत प्योर है और नेहरू जी ने यहाँ से पानी पिया था तो इसका नाम नेहरू कुंड पड़ गया. रिटर्न के टाइम पे ये स्पॉट मैं फिर से देखने वाली हूँ. आज ये सारे डेस्टिनेशन ऑन द वे टू रोहतांग है तो वहाँ पे बहुत स्नो रहता है. सो आपको ना बूट और सूट जो मिलता है वो दोनों ही रेंट पे लेना पड़ेगा. आप टाउन से लो वही मैं सजेस्ट करूंगी क्योंकि टाउन से लेने से आप हर एक पॉइंट पे उसको पहन सकते हैं. तो अभी बारिश हो रही है. मैं थोड़ा अपसेट हूँ आज क्योंकि बारिश के वजह से अटल टनल नहीं जा सकते तो वो गुलाबा इसलिए आ गए हैं. हिमाचल टूरिज्म का बस हमने बुक किया है. फर्स्ट पॉइंट था नेहरू कुंड. नेहरू कुंड देखने के बाद अभी मैं गुलाबा आई हूँ. मैं अभी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द कैमरा आई विल शो यू द व्यू. जस्ट लुक एट दिस अमेजिंग व्यू. ये गुलाबा का पार्किंग पॉइंट है और बारिश हो रही है तो एक अलग ही नज़ारा है. और अगर धूप होता है तो माउंटेन में एक अलग ही मज़ा आता है. बट कितना प्यारा व्यू है ये. मैं अभी बाई रोड ऊपर आई हूँ बहुत दूर तक. बीच बीच में ऐसे स्नो भी है और ऐसे छोटे झरने भी हैं. गुलाबा इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड एंड रोड भी बहुत अच्छा है. सो आप कार से आ रहे हैं या फिर बस से आ रहे हैं वो आपको नीचे पार्किंग लॉट में छोड़ेगा और फिर ऐसे रोड बनाया हुआ है तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा. आप क्लाइंब भी कर सकते हैं बट ड्यू टू रेन द क्लाइंब हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट. और जितना ऊपर आप जाएंगे ना उतना खूबसूरत व्यू आपको मिलेगा. जस्ट लुक एट दिस. गुलाबा एक छोटा सा गांव है जो कि मनाली से 27 किलोमीटर और रोहतांग से 25 किलोमीटर दूर है. दिस इज मार्च एंड तो भी इतना स्नो है. दिस इज नोन फॉर अ स्नोई रीजन. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दूसरे सीजन में ये कैसा होगा. तो आई हाईली रिकमेंड गुलाबा. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. जर्नी इतना अच्छा है ना. इट्स सो थ्रिलिंग एंड द व्यूज आर एब्सोल्युटली ब्रेथ टेकिंग. जो बूट है ना वो आपको थ्रू आउट द प्लेसेस काम आएगा क्योंकि ये आपको चलने के लिए बहुत हेल्प होगा. सूट तो मैंने अवॉइड किया ड्यू टू कोरोना. मुझे थोड़ा डर लगा कि कैसा होगा मालूम नहीं तो मैंने सूट तो नहीं लिया. और ग्लव्स मैंने यहाँ से परचेज किया है बट मैंने लगाए नहीं तो अभी मेरे हाथों का हालत ना ख़राब हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसे बेयर हैंड से ही स्नो को क्रश किया है ना. So now I have reached my next destination which is Kothi village. Kothi एक छोटा सा village है जो रोहतांग पास foothills में है. It's a perfect place for camping if one is planning to climb the Rohtang Pass valley. The majestic locations of Kothi have been featured in many Bollywood movies and a lot of poets, writers and painters have visited this beautiful site to soak themselves in the magic of nature. This splendid place offers magnificent views and ideal for photography. Let's move on to the next destination. Hey, so new update is Atal Tunnel open ho gaya hai. तो अभी हम लोग सोलंग नहीं रुकेंगे. सीधा पहुंचेंगे अटल टनल क्योंकि आज वेदर बिल्कुल ठीक नहीं है तो पता नहीं कब बंद कर दे फिर से. वैसे आपको मैं बता दूं अटल टनल पूरे दिन में मीन्स 24 आवर्स में 1 आवर के लिए क्लोज रहता है फॉर मेंटेनेंस पर्पस. वो जनरली मॉर्निंग 11 to 12 या आफ्टरनून में 1 आवर क्लोज रखते हैं.
डोंट वरी, सोलंग टू अटल टनल इतना खूबसूरत है कि आप फोटोग्राफी करने लगेंगे तो 1 hour इज लेस फॉर यू, ट्रस्ट मी। There are also 4G antennas installed inside the tunnel to ensure that your mobile network remains strong while going through it. So engineering के हिसाब से तो बहुत अच्छा है ही, और views जो है वो तो आप देख ही सकते हैं, that's amazing, it's mesmerizing, snow covered mountain all over. ये पहुंच गए हम लोग अटल टनल के इस पार। अरे बापरे कितना vehicles है। Now you will see so many failed attempts of taking videos, क्योंकि पुलिस वाले इतना भगा रहे थे ना यहाँ से। फ्रेंड्स अगर आप मुझे फॉलो करते हो ना इंस्टाग्राम पे, जो मेरा हैंडल है विंग्स ऑन द फीट, या फिर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हो, तो आपको पता होगा कि मैं बहुत सारी जगह घूमती हूँ, बट दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम इन स्नो और इतने ठंड में। अभी 3 degrees चल रहा है यहाँ का टेम्परेचर मार्च एंड में, और इतना स्नो है। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस इन सच प्लेसेस। अभी पुलिस वाले ने बहुत सारे लोगों को यहाँ से भगा दिया है, आप देख सकते हैं व्हीकल भी बिल्कुल नहीं है, तो भाग के मुझे बहुत आगे जाना पड़ेगा बिकॉज दे आर स्टिल बिहाइंड मी। बट ये एरिया इतना क्राउडेड था ना, तो पुलिस के लिए भी इट्स अ चैलेंजिंग जॉब कि सबको यहाँ से हटाए, तो इसके लिए हमें भी उनके साथ कोऑपरेट करना होगा। फाइनली पुलिस वाले ने बहुत भगाया, उसके बाद हम लोग मतलब बस बहुत आगे हैं, और आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे बहुत लोग हैं और पूरा एरिया स्नो से कवर्ड है। आई थिंक दे टोल्ड अस कि ये टनल जो है वो जस्ट 2-3 months बिफोर इट गॉट ओपन, और कल रात से बहुत बारिश हो रही थी, इनफैक्ट आफ्टरनून में भी हमें बारिश मिला। तो हुआ ये था कि ये अटल टनल बंद था आज, तो हम बहुत ऐसे लो फील कर रहे थे, वी आर वेरी डिसअपॉइंटेड कि नहीं जा पाएंगे ऐसा लग रहा था, बट फाइनली हम लोग पहुँचे। बट पुलिस वाले मतलब यहाँ रुकने नहीं दे रहे, बिकॉज वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस पॉलिसीज, बिकॉज नहीं मतलब यहाँ पे ऐसे देख सकते कितने कार है मेरे पीछे, और लोग भी पूरा मतलब भर गया है यहाँ पे, तो इतना लाउड नहीं, और मौसम भी आज खराब है, तो चाहते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी मतलब यहाँ से वापस जाए, या फिर आगे जो है शिशु वहाँ पे जाके रुके। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ 360 degree व्यू ऑफ दिस प्लेस। सो आप पूछेंगे कि क्या है अटल टनल के उस पार, तो आई वुड से कि देयर इज हेवन आफ्टर यू क्रॉस अटल टनल। दोस्तों आपको पता है व्हाई अटल टनल इज सो इम्पोर्टेंट और फेमस, और व्हाई इट हैज बिकम सो पॉपुलर अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। आफ्टर अटल टनल वॉज इनोग्रेटेड ऑन 3rd October 2020, thousands of tourists from different parts of the country have reached to experience it. Well, bahut sara reason hai. 9 kilometer long tunnel located at an elevation of 10,000 feet above the sea level is an engineering marvel and allows all weather access to Lahul Spiti Valley, which used to be cut off during the winters. It took 10 years to complete. ये टनल क्रॉस करने में अबाउट 15 मिनट्स लगता है, एंड इसे केलोंग जो कि 37 किलोमीटर दूर है अबाउट 60 मिनट्स में पहुंच सकते हैं। द टनल विल ऑल्सो रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन मनाली एंड ली अबाउट 46 किलोमीटर्स, विच इन टर्म्स ऑफ टाइम टेक्स अबाउट 5 hours। नाउ आई एम लीविंग अटल टनल, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है बट छोड़ना पड़ेगा। अभी बस में बैठ गए हम लोग, सिसु नहीं जाएंगे, सोलंग जाएंगे अभी भी। नाउ आई हैव टू स्विच ऑफ माई कैमरा। टनल के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, बहुत सारे व्लॉगर्स देते हैं, बट वेन देर आर रूल्स वी शुड फॉलो देम। ये अटल टनल का दूसरा साइड आपको दिख रहा है पीछे से, अभी हम लोग सोलंग की तरफ बढ़ रहे हैं। The beauty of Solang Valley is unparalleled, and many people visit the valley every year
जस्ट टू एंजॉय इट्स प्रिस्टाइन स्नो वाइट मैग्निफिसेंस, स्पेशली विंटर में जब ये पूरा प्लेस कवर हो जाता है बर्फीले चादर में, तो ऐसा लगता है कि कोई मूवी का लोकेशन है। क्लियर ब्लू स्काई होता तो क्या बात, बट आज बारिश है इसीलिए सारा एक्टिविटीज बंद है यहाँ पे। सोलंग देखना है ना तो विंटर इज द बेस्ट सीजन, ये याद रखना दोस्तों की। बिसाइड पिक्चरस्क लैंडस्केप, पीपल ऑल्सो विजिट सोलंग वैली टू एंजॉय वेरियस विंटर स्पोर्ट्स। एडवेंचर एंथुसियास्ट लव स्कीइंग इन द प्योर फ्रेश स्नो हियर, एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय पैराग्लाइडिंग, व्यू बहुत ही मस्त है। बट ये सीजन में तो यहाँ पे स्कीइंग पॉसिबल नहीं है। इतना सा ग्राउंड है सोलंग का, सो दिस इज इट सोलंग वैली। जैसे कि आप देख सकते हैं आज कुछ खास करने के लिए है नहीं, ड्यू टू द रेन ऑल द एक्टिविटीज़ आर क्लोज्ड। और वैसे भी मार्च और अप्रैल में मतलब इतना कुछ रहता नहीं है। पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हैं, और आप रोपवे का जो मैंने सुना था कि ट्रॉली राइड बहुत अच्छा होता है यहाँ पे, बिकॉज वंस यू रीच ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन वहाँ से व्यू बहुत ही शानदार है। और जो मैंने फ़ोटोज़ एक्चुअली देखे थे ना वो बहुत अच्छे थे, बट दैट आर विंटर फोटोज़, तो विंटर में यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। और ज़रूर ये जो आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे शॉप्स रोड साइड में, यहाँ से आप सोलंग वाली मैगी ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आ रही थी तो मेरे फ्रेंड्स ने फिर कज़न ने सब ने बताया था कि यहाँ से मैगी ज़रूर ट्राई करने के लिए। इतना अच्छा कुछ है नहीं, बट फिर भी लोग ट्राई करते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। सोलंग में ना आप ट्रैक भी कर सकते हैं, 2 hours का टाइम लगता है। इफ़ यू आर नॉट गुड एट ट्रेकिंग एट हाई ऑल्टीट्यूड तो यू कैन गो फॉर हॉर्स राइड ऑल्सो, बट आज उतर के भी फ़ायदा नहीं था, रेन बेसिकली होता है तो बारिश के लिए मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सब। अब देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे वैसे मैं देख रही हूँ कि मौसम ना मुझे साफ होता हुआ दिख रहा है। Mountains are full of you know surprises and it's so unpredictable, you cannot predict it. काश मैं जब भी अटल टनल और सोलंग में थी तभी अगर ऐसा मुझे क्लियर स्काई मिलता तो कितना अच्छा होता ना, कितना मस्त प्यारा सा व्यू है अभी स्काई क्लियर हो गया तो। पर कोई नहीं, हिमाचल ऐसी जगह है जहाँ आपको बार बार जाने का मन करेगा, और हर बार आप जाओगे तो आपको ये पूरा नया जैसा लगेगा। जैसे कि मैंने आपको अपडेट किया था कि आई हैव बुक्ड HPTDC बस, पर सीट 400 rupees है, और ये आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। HPTDC कुंजुम के बगल में ही इसका ऑफिस है। So that's all for now. I hope you guys enjoyed this video. I'll see you soon. And my next video will be on a very unique and offbeat beautiful place of Himachal. So stay tuned and take care. Bye bye.